Hi everyone, this is Anam. Welcome to PhD Jobs and Admission. So, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट MCQs जो जनरली आपको पूछे ही जाते हैं. सो मैं ये बता रही हूँ आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है आज का हमारा, जिसमें आपको जो मैंने यहाँ पर MCQs सॉल्व करवाया है, जनरली आपको PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा. अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो देखना है, सारे MCQs को सॉल्व कर लेना है. अगर आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अब जैसे कि आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो जा चुकी है, जो की थी 10th of July 2022. तो जल्द से जल्द अभी चांसेस है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स आ सकती है. तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी है. जैसे कि आपको पता है, DU यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पार्ट वन होता है, जो पेपर वन होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है जो कि हर एक कैंडिडेट के लिए कॉमन होता है. तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं. आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करते हैं वीडियो लेक्चर्स में, जो कि आपके थ्योरी और MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं. थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, एंड देन MCQs में हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रिक्स यूज करना है. उसी तरीके से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं नोट्स. देन मॉक टेस्ट, टोटल 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो उस तरीके से आपके 400 क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट में कवर करते हैं. एंड देन फाइनली 1500 प्लस MCQs रिवीजन PDF, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है. तो मैं यहां पर आपको बता दूं, 100% गारंटी के साथ हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं. आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, हम आपको पास कर पाएंगे. हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं. तो आपको याद रखना है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्द से जल्द आपको प्रेपरेशन को स्टार्ट करना है. स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है. और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है. सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो एक बार ये MCQ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छे तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस MCQs रिविजन PDF. ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा. कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं. सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है. क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है. बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, जितना सफिशियंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है. सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं. सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे. तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है. परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है. याद रखेगा, नॉर्मल कॉल्स नंबर पर नहीं लगेगा. और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो. सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है. So that's it, and let's begin with the MCQs. When the entire population is divided into a number of homogeneous groups or classes, it is known as. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके entire population को डिवाइड कर रहे हो homogeneous groups में और classes में, then आप उसको क्या कहोगे? So remember, अब आपकी जो entire population है, उसको आप homogeneous groups में generally आप stratified random sampling में divide करते हो. अब जैसा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, आपकी जो पॉपुलेशन होती है वो हेट्रोजीनियस होती है. अब मान लो ये आपकी जो पॉपुलेशन है, ये हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है. हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को आप होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो. आपकी जो पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस है, जिसमें मेल है, फीमेल है, चिल्ड्रन है, सारे एज ग्रुप के लोग है. तो आपने क्या करा, उनको होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड कर लिया. एक तरफ मेल हो गए, एक तरफ फीमेल हो गए, एक तरफ चिल्ड्रन हो गए. तो आपने यहाँ पर आपके जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है उसको होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया. अब ये जो एक एक ग्रुप है, इनको हम कहते हैं स्ट्रेटा. अगर आप आपकी इंटायर पॉपुलेशन है उसको होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर ले रहे हो, तो इस ग्रुप को और इस क्लास को आप कहते हो
स्ट्रेटा, दैट्स वेयर पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी क्या है, सैंपल। सैंपल क्या हो गया, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको आप सैंपल कहोगे। इंटायर पॉपुलेशन को अगर आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो तो उसको सैंपल नहीं कहोगे, दैट्स वेयर पर आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होते हैं, आपकी पूरी इंटायर पॉपुलेशन को आप कहते हो यूनिवर्स, दैट्स वेयर पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए स्ट्रेटा। अगर आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है उसको आप होमोजेनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो देन उस एक एक ग्रुप को आप कहते हो स्ट्रेटा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनकी अगर आप जेंडर को एनालाइज कर रहे हो तो ये कौन से एनालिसिस का एग्जाम्पल होगा। सो आप यहाँ पर क्या करो, आपका जो रेस्पोंडेंट्स है उनकी जेंडर को एनालाइज कर रहे हो। सो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वेरिएबल को मेजर कर रहे हो जो कि है जेंडर। जेंडर को ही सिर्फ एनालाइज कर रहे हो। सो आपके पास एक वेरिएबल है। सो अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल को अगर आप एनालाइज करते हो तो आपका आ जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस में। यूनि का मतलब होता है एक, जैसे जेंडर है यहाँ पर, ओके, और ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो ये आपका हो जाएगा यूनिवेरिएट का, यूनिवेरिएट एनालिसिस का एग्जाम्पल। अब बायवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल है। अब मान लो आप जेंडर के साथ साथ रिस्पोंडेंट्स की हाइट भी मेजर कर रहे हो, सो यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाएंगे। सो इस केस में आप बायवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। अब मल्टीवेरिएट क्या होता है, जिसमें आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर एनालाइज करते हो, सो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करेंगे। अब जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आपको एनालाइज करना है रिस्पोंडेंट का जेंडर, उनकी हाइट और उनका वेट। तो इस केस में आपके पास तीन वेरिएबल है। सो अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है जेंडर, तो जेंडर इस वेरिएबल को एनालाइज करने के लिए आप यूनिवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए यूनिवेरिएट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप इन डेटा एनालिसिस प्रोसेस इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि डेटा एनालिसिस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। अब डेटा एनालिसिस प्रोसेस के ये टोटल 5 स्टेप्स होते हैं, आपको ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं। डेटा एनालिसिस प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है एडिटिंग ऑफ डेटा, कि आपको डेटा को कैसे एडिट करना है। अब रिसर्चर ने अपने इंटरव्यूज के थ्रू, मानो इंटरव्यूज के थ्रू रिसर्चर ने रिस्पोंडेंट से जो भी आंसर्स उनके रिकॉर्ड किए होंगे, समटाइम्स कुछ मिस्टेक्स हो जाती होंगी, तो उस जो भी रिकॉर्डेड आंसर है अगर वो सही इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो उस डेटा को एडिट करेंगे रिसर्चर। और यू कैन से रिस्पोंडेंट्स और इंटरव्यूअर्स से जो भी मिस्टेक्स हुई होंगी डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो उस डेटा को रिसर्चर एडिट करते हैं। एक तरीके से डेटा एडिटिंग में रिसर्चर डेटा को क्लीन करते हैं, जो भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन होंगी उसको हटा देते हैं। सो डेटा एडिटिंग ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है डेटा एनालिसिस प्रोसेस का। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन डेटा एडिट करने के बाद आप उस डेटा पर कोड करते हो। रिसर्चर क्या करते हैं, डेटा को कोड करते हैं। अब डेटा कोडिंग क्या होता है, अब मान लो जैसे रिसर्चर ने अपने रिसर्च में मेल और फीमेल दोनों पर स्टडी करा, सो मेल्स के लिए रिसर्चर एम यूज करेंगे, फीमेल्स के लिए रिसर्चर एफ यूज करेंगे। तो यहाँ पर रिसर्चर कुछ कोई कोई चीजों के लिए, कोई कोई वर्ड्स के लिए कोड यूज करते हैं। अब मान लो मेल के लिए रिसर्चर ने +1 यूज कर लिया, फीमेल के लिए -1। सो ये सारे ऐसे रिसर्चर्स कोड यूज करते हैं अपने रिसर्च में, डेटा के लिए कोड यूज करेंगे, सो उसे कहते हैं डेटा कोडिंग। सो ये आपका सेकेंड स्टेप में आता है डेटा कोडिंग। देन थर्ड स्टेप में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को कैसे क्लासिफाई करते हैं। अब रिसर्चर जो होते हैं एक पॉपुलेशन पर मान लो कोई स्टडी कर रहे हो और वो पॉपुलेशन हेटरोजीनियस है, तो पॉपुलेशन जो हेटरोजीनियस होती है उसको रिसर्चर पहले होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। होमोजीनियस ग्रुप्स में क्यों डिवाइड करते हैं, बिकॉज क्योंकि उनके सिमिलैरिटीज, उस पॉपुलेशन की सिमिलैरिटीज, जो जो सिमिलैरिटीज है उसके बेसिस पर रिसर्चर उस पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। सो उससे क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी उसमें क्लैरिटी होगी, और आपका जो क्लासिफिकेशन, एक अच्छा क्लासिफिकेशन भी तभी होगा जिसमें क्लैरिटी हो, इक्वालिटी ऑफ स्केल हो, एक्यूरेसी हो, ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आपका ये थर्ड स्टेप होता है। एंड देन उसके बाद आप टेबुलेशन ऑफ डेटा, रिसर्चर क्या करते हैं, आपका जो भी डेटा होता है उसको एक टेबल फॉर्म में करते हैं। प्रॉपर टेबल नंबर डालेंगे, हेड नोट्स, फुट नोट्स, कैप्शन, प्रॉपर टॉपिक। सो उस तरीके से डेटा में, सॉरी टेबुलेशन में मतलब
टेबल में सारी इंफॉर्मेशन लिखते, सारा डेटा लिखते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर अगर उस टॉपिक पर रिसर्च करे तो उस डेटा को यूज कर सके। देन उसके बाद जो भी डेटा होता है रिसर्चर्स को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिमेम्बर फर्स्ट स्टेप होता है आपके डेटा एनालिसिस प्रोसेस का डेटा एडिटिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, drawing information or content from the work of another without acknowledging the source by citing a reference is considered to be plagiarism in all of the following cases except। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप आपके रिसर्च में किसी और रिसर्चर का, किसी और ऑथर का इंफॉर्मेशन, उनका कंटेंट यूज कर रहे हो विदाउट एक्नॉलेजिंग, मतलब विदाउट उनका नेम प्रॉपर मेंशन करे बिना, तो वो प्लेजरिज्म हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो प्लेजरिज्म, हम उसको कहेंगे कि वो प्लेजरिज्म के अंडर नहीं आएगा। तो हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द ऑथर, कोई ऑथर है, कोई रिसर्चर, उसका आप एग्जैक्ट वर्ड यूज कर रहे हो, सो ये आपका प्लेजरिज्म के अंडर आ जाएगा, या आपका प्लेजरिज्म हो जाएगा किसी और रिसर्चर का, आप एज इट इज वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड आप ले रहे हो, सो ये प्लेजरिज्म हो जाएगा। प्लेजरिज्म क्या होता है, किसी और रिसर्चर का वर्क कॉपी करने को प्लेजरिज्म कहते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, यूजिंग डेटा दैट द ऑथर हैज कंपाइल्ड थ्रू हिज और हर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, ऐसा डेटा जो ऑथर ने अपने खुद के इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के, खुद ने, वो ऑथर ने खुद ही इन्वेस्टिगेट कर डेटा कलेक्ट करा है और आप उस डेटा को एज इट इज यूज कर रहे हो। सो अगर आप ऐसा डेटा जो रिसर्चर के, जो दूसरे ऑथर का डेटा है जो उसने, वो ऑथर ने खुद अपने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन, खुद इन्वेस्टिगेट कर डेटा कलेक्ट करा है और आप उसको, उस डेटा को यूज कर रहे हो, तो ये भी आपका प्लेजरिज्म हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन डी देखते हैं, रिप्रोड्यूसिंग इन योर पेपर अ चार्ट कंटेन इन द ऑथर्स वर्क, आप क्या कर रहे हो, किसी और ऑथर का कंटेंट ले रहे हो और उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, कोई चार्ट है आपका, उस ऑथर का इंफॉर्मेशन ले रहे हो और उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर रहे हो, फिर से आपके रिसर्च पेपर में उसको बता रहे हो, तो ये भी प्लेजरिज्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको उसका, उस प्रॉपर ऑथर का नेम मेंशन नहीं कर रहे हो, आप रिसर्च में किसी और ऑथर का कंटेंट इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपने उस ऑथर का नेम नहीं लिखा होगा तो वो प्लेजरिज्म में आ जाएगा। सो उसी तरीके से ऑप्शन डी में आपको जो ऑप्शन गिवन है ये प्लेजरिज्म के अंदर आता है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन, आप ऐसे ऑथर का वर्क यूज कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हो जो कि कॉमन नॉलेज है। अब कॉमन नॉलेज क्या हो सकता है, जैसे ह्यूमन हैव टू आईज, सो ये कॉमन नॉलेज है, सबको पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं उनमें दो आईज होते हैं, ह्यूमंस हैव टू आईज, ह्यूमन नीड्स ऑक्सीजन टू लिव, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ह्यूमंस है, उनको ऑक्सीजन चाहिए रहने के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये जो सारे इंफॉर्मेशन, ये जनरल है, ये तो सबको ही पता है कि ह्यूमन हैव टू आईज, सो ऐसे इंफॉर्मेशन जो सबको पता है, जो कॉमन है, वो आप यूज कर रहे हो, सो अगर आप उसको साइट नहीं भी कर रहे हो सो वो प्लेजरिज्म नहीं कहलाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑथर्स वर्क दैट इज रिगार्डेड एज कॉमन नॉलेज इन द डिसिप्लिन। नेक्स्ट, अरेंज द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इन असेंडिंग ऑर्डर, टेराबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट एंड मेगाबाइट। इस क्वेश्चन में हमें कंप्यूटर के मेमोरी साइजेस गिवन है, हमें उन्हें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से लेकर बड़े ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे छोटा आपका कंप्यूटर मेमोरी साइज होता है किलोबाइट, किलोबाइट जिसे आप केबी भी कहते हो। अब मान लो आपका जो एक स्मॉल ईमेल है वो आपका 2 KB का होता है, 2 KB का होता है। देन किलोबाइट से थोड़ा बड़ा हो जाता है आपका मेगाबाइट, मेगाबाइट जिसमें MP3 फाइल्स हो, जिसको आप कहते हैं ऑडियो फाइल्स, अगर आपका 1 मिनट का ऑडियो फाइल है मतलब वो 1 MB का है। MB के बाद आता है आपका गीगाबाइट जिसे आप GB कहते हो, सो 1 GB में आपको याद रखना है, 1 GB में आप 300 MP3 सॉन्ग्स होल्ड कर सकते हो, अगर आपके फोन में 300 सॉन्ग्स है मतलब वो आपके 1 GB होल्ड करेंगे, 1 GB में आपके 300 सॉन्ग्स इजिली आ जाते हैं। देन गीगाबाइट के बाद आपका आता है टेराबाइट, टेराबाइट जिसे आप TB कहते हो, तो टेराबाइट में आपकी 100 DVDs
और क्वालिटी फिल्म्स आपका टेराबाइट होल्ड कर सकता है। और टेराबाइट जनरली आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में, टेराबाइट के जो हार्ड डिस्क आपकी होती है वो टेराबाइट की होती है। तो यहाँ पर आपका जो सीक्वेंस आएगा, पहले होगा आपका किलोबाइट, देन किलोबाइट के बाद आएगा मेगाबाइट, देन गीगाबाइट एंड लास्ट आ जाएगा आपका टेराबाइट। तो ये ऑर्डर आपको ऑप्शन सी में गिवन है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च इज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च की जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे रिसर्च की। सो रिमेम्बर, रिसर्च की जो एसेंशियल, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक। सबके जो रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो मेन, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च होती है वो होती है ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। ऑब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि अगर आप जो रिसर्च कर रहे हो, अपने रिसर्च में अगर आपने जो भी मेथड्स यूज करे होंगे, जो जिस तरीके से आपने रिसर्च करा होगा, जैसे आपने सैंपल सेलेक्ट करा होगा, उनसे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस इन्फॉर्मेशन को आपको आपके रिजल्ट में एज इट इज मेंशन करना चाहिए। यहाँ पर आप किसी सैंपल को, किसी पर्सन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, करेक्ट इनकरेक्ट सारी आपको मेंशन करना है। यहाँ पर आप अपने जजमेंट, ओपिनियन, कन्वीनियंस को आगे रखकर आपके रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके, सो रिमेम्बर ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, जिसमें आप जिस तरीके से भी आप रिसर्च को इनकाउंटर कर रहे हो ड्यूरिंग योर रिसर्च स्टडी, उसमें आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको एज इट इज मेंशन करना चाहिए। यहाँ पर आपको आपके जजमेंट और कन्वीनियंस को आगे रखकर आपकी रिसर्च परफॉर्म नहीं करना चाहिए। देन सिस्टमैटिक क्या होता है, आपको आपके रिसर्च में कोई प्रिंसिपल, पर्टिकुलर स्टेप्स, एक स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। आप कैसे भी जिगजैग मैनर में आपकी रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते हो। देन थर्ड इज साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या होता है कि आपकी जो अगर रिसर्च परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आपको यूज करना चाहिए आपके रिसर्च में। तो ये तीन आपके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं रिसर्च की। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए, सी एंड डी में गिवन है, जनरलाइजिबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड रेप्लीकेबिलिटी। सो ये तीनों भी आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। अब जनरलाइजिबिलिटी क्या होती है कि आपके जो रिसर्च आप परफॉर्म कर रहे हो उससे जो भी रिजल्ट आ रहे हैं वो आप सैंपल्स पर परफॉर्म करते हो, और सैंपल से जो रिजल्ट आ रहे हैं वो पूरी पॉपुलेशन पर जनरलाइजेबल होना चाहिए, पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई होने चाहिए आपके रिजल्ट, ऐसे होने चाहिए, उसे हम कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी। देन यूजेबिलिटी, आपके जो रिसर्च स्टडी से आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो यूजेबल होना चाहिए, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसका कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए। देन रेप्लीकेबिलिटी मतलब जिसको आप फिर से रिपीट कर सको, रिप्रोड्यूस कर सको। तो ये भी आपके तीनों, जनरलाइजेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड रेप्लीकेबिलिटी, ये भी आपके रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको पूछा गया एसेंशियल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च होती है वो होती है ऑब्जेक्टिविटी, सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट, इट इज नोन दैट द अमाउंट ऑफ एप्पल जूस फाउंड इन अ 500 ml बॉटल इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 495 ml एंड 510 ml. What is the probability that a randomly selected bottle of apple juice contains more than 500 ml of juice? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, एक एप्पल जूस की बॉटल है और वो बॉटल 500 ml की बॉटल है, ओके? और उस 500 ml के बॉटल में एप्पल जूस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, 495 ml से लेकर 510 ml के बीच में आपका एप्पल जूस उस बॉटल में फिल होगा, क्योंकि मशीन के थ्रू एप्पल जूस फिल किया जा रहा है। सो जरूरी नहीं है हर बार एग्जैक्टली 500 ml ही फिल हो, कम ज्यादा हो सकता है। सो वो रेंज आपको गिवन है 495 ml से 510 ml. अब इस केस में हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर मैं रैंडमली किसी भी बॉटल को मैं चूज कर रही हूँ, सो मैं अगर कोई बॉटल को मैं कितने बॉटल ऐसे चूज करूंगी, कितने बॉटल ऐसे होंगे जिसमें 500 ml से ज्यादा जूस मुझे मिलेगा, ओके? हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेम्बर, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले रेंज लिखेंगे कितने के कितने बीच में आपका एप्पल जूस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर आपको रेंज गिवन है 495 से आपका रेंज 510 ml तक है। अब इस वैल्यू के बीच में आपकी 500 ml, क्योंकि बॉटल टोटल कितने की है, 500 ml की है, सो 500 ml यहाँ पर लाई करेगा, ओके?
सो यहाँ पर आपका हमने रेंज लिख लिया। अब इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं कि ऐसी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी मतलब चांस, कितने चांस होंगे कि मैं ऐसे रैंडमली बॉटल को सिलेक्ट करूँ जिनमें 500 ml से ज्यादा मुझे जूस मिलेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जूस ग्रेटर देन 500 से ज्यादा जूस कितनी बॉटल में होगा मुझे ये फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर आपके जो मतलब 500 से ज्यादा लेना है मुझे। ओके सो 500 से ज्यादा कौन से रेंज में आएगा, ये वाला रेंज फॉलो करेगा। सो 510 - 500 क्योंकि मुझे 500 से ज्यादा जूस चाहिए बॉटल में। सो ये आ जाएगा आपका। देन आपको टोटल रेंज आपको लिखना है। टोटल रेंज क्या है, 510 माइनस लोएस्ट वैल्यू 495। देन आपको इसको सब्सटीट्यूट करना है, ये हो जाएगा 10/15। 10/15 करने पर 5 2 10 and 5 3 15। इसको आप सिंपलीफाई करिए, आंसर हो जाएगा आपका 0.667। ओके सो यहाँ पर आप देख रहे हो 66% प्रोबेबिलिटी और 66% चांसेस ये है कि अगर मैं कोई भी रैंडम बॉटल को सिलेक्ट करूंगी उसमें मुझे 500 ml से ज्यादा जूस मिलेगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 0.667। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सैंपल इज लाइकली टू। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है अगर आपने आपके सैंपल्स का साइज इंक्रीज कर दिया तो उस केस में आपके सैंपलिंग एरर्स और नॉन सैंपलिंग एरर्स क्या इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। अब सैंपल साइज क्या होता है आपको पहले ये पता होना चाहिए। सैंपल साइज क्या होता है, जैसे आपको पता है पॉपुलेशन का जो सबसेट होता है वो आपका सैंपल होता है। ओके और सैंपल साइज क्या होता है कि आप कितने सैंपल्स चूज करने वाले हो। अगर आपके मान लो पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और उसमें से आपने 90 चूज कर लिया, सो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका सैंपल्स का साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा क्योंकि आपने पॉपुलेशन में जो मेंबर्स चूज करा है वो बहुत ज्यादा चूज करा है, 90 लोगों को चूज करा है और सिर्फ 10 लोगों को छोड़ दिया है। सो इस केस में आपके सैंपल्स का साइज बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। अब सैंपल्स में दो टाइप के एरर्स होते हैं, एक होता है आपका सैंपलिंग एरर और दूसरा होता है नॉन सैंपलिंग एरर्स। अब सैंपलिंग एरर्स क्या होता है, सैंपलिंग एरर की डेफिनेशन होती है डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक। सो ये हो जाएगा आपका सैंपलिंग एरर्स की डेफिनेशन। अब मान लो फॉर एग्जांपल इसका मीनिंग इसको और अच्छी तरीके से हम समझते हैं, सैंपलिंग एरर इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन, मतलब पॉपुलेशन का जो मीन है, आपने समझ लो पॉपुलेशन की आप हाइट मेजर कर रहे हो, सो एवरेज लोगों की हाइट कितने के बीच में आ रही, कितने इंचेस है, एवरेज लोगों की हाइट 5 inches आ रही है, सो उसका मीन माइनस सैंपल्स का मीन। ओके अब मान लो इस केस में आपने 100 मेंबर्स है पॉपुलेशन में, उनका एवरेज हाइट 5 inches है और आपने जो सैंपल लिया है उस केस में सैंपल का जो एवरेज आ रहा है, इस केस में जो मीन आ रहा है, मीन का मतलब ही एवरेज होता है, जो मीन आ रहा है उसमें आपकी आ रही है वैल्यू, एवरेज मेंबर्स की जो हाइट है उनकी वैल्यू आ रही है 4.5 inches, मतलब 0.5 का ही डिफरेंस है। ओके तो यहाँ पर बहुत कम डिफरेंस है सैंपल्स के मीन में एंड पॉपुलेशन के मीन में, बहुत कम डिफरेंस है, मतलब अगर आप जितनी ज्यादा सैंपल साइज लोगे उतना ज्यादा आपका एरर सैंपलिंग एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपका जो सैंपलिंग एरर है इस केस में डिक्रीज हो जाएगा, मतलब आपने जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लोगे उतना ज्यादा आपका सैंपल साइज सैंपल एरर्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, उतने ज्यादा आपके एरर्स कम हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट गिवेन है आपको, बट इंक्रीज नॉन सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर होता क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। नॉन सैंपलिंग एरर मतलब जब आपका सैंपल से आप डेटा कलेक्ट करते हो, कलेक्ट करने के टाइम पर जो एरर होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन सैंपलिंग एरर, जो मिस्टेक्स हो जाती है डेटा कलेक्ट करने के टाइम। जैसे आपने यहाँ पर आपका सैंपल्स का साइज बहुत ज्यादा है तो आपके जो नॉन सैंपलिंग एरर होते हैं उसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टैबुलेशन एरर। टैबुलेशन एरर क्या होता है, जैसे आपने जो आपको जो सैंपल से इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो डेटा मिल रहा है, आप उसको क्या करोगे, एक टेबल में फिल करते हो सारी इंफॉर्मेशन। अब उस टेबल में आप जब इंफॉर्मेशन फिल करोगे तो क्या होगा, आपसे जो बहुत ज्यादा डेटा है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाएंगी, एरर्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा डेटा होने की वजह से आपको जो इंटर करना है डेटा उसमें थोड़ी मिस्टेक्स हो जाएंगी। अब रिस्पोंडेंस एरर हो सकता है, मतलब रिस्पोंडेंट जो एरर कर रहा है समटाइम्स आपने उसको रॉन्ग रिकॉर्ड कर दिया होगा, बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको,
तो जितना ज्यादा आपका सैंपल्स का साइज होगा, याद रखिएगा, उतना ज्यादा आपका नॉन सैंपलिंग एरर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अगर जितना ज्यादा आपका सैंपलिंग का साइज होगा, उतना ज्यादा आपका सैंपलिंग एरर्स डिक्रीज हो जाएगा, और जितना ज्यादा आपका सैंपल का साइज होगा, उतना ज्यादा ही आपके जो नॉन सैंपलिंग एरर्स होने के चांसेस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डिक्रीज सैंपलिंग एरर्स बट इंक्रीज नॉन सैंपलिंग एरर्स। नेक्स्ट, द डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय रिसर्चर्स टू कलेक्ट डेटा फॉर अ स्टडी इज कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी डिवाइस होती है जो रिसर्चर यूज करते हैं अपने रिसर्च स्टडी में डेटा को कलेक्ट करने के लिए। सो ऐसी डिवाइस जो रिसर्च अपने रिसर्च में यूज करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सो उसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएंगे, जैसे रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में कोई डिवाइस यूज करते हैं जिनके थ्रू रिसर्च और डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा आपका कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइसेस और क्वेश्चन एयर्स के थ्रू। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनके थ्रू रिसर्चर अपने रिसर्च स्टडी में डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंस्ट्रूमेंट। ऐसी डिवाइसेस जिनसे रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में डेटा कलेक्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। देन हम ऑप्शन जो रिमेनिंग ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है उसको भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं। सो यहाँ पर कोई आइडिया और हमें कोई एब्स्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवेन है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, सैंपल। सैंपल क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन का सबसेट। पॉपुलेशन के सबसेट को हम कहते हैं सैंपल। सो यहाँ पर हमें ऐसा पॉपुलेशन से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन गिवेन नहीं है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मतलब टेम्पररी स्टेटमेंट होता है जिसको रिसर्च अपने रिसर्च स्टडी में टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ हाइपोथेसिस से रिलेटेड, कुछ टेंटेटिव स्टेटमेंट से रिलेटेड और रिसर्च के कोई अजम्पशन से रिलेटेड कोई पूछा नहीं है क्वेश्चन में, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइस जिनसे रिसर्च और डेटा कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च स्टडी में उन्हें हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज्ड फॉर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है जो ट्रीटमेंट वर्ड है ये कौन से वेरिएबल के लिए यूज किया जाता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो ट्रीटमेंट, जैसे मान लो रिसर्चर और यू कैन से डॉक्टर जो होते हैं किसी भी डिसीज को ट्रीट करते हैं। तो डिसीज को जब ट्रीट करते हैं रिसर्चर और डॉक्टर्स तो क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट ड्रग डेवलप करते हैं। तो ड्रग डेवलप करते हैं तो यहाँ पर डिसीज है कोई पर्टिकुलर, उसको ट्रीट कर रहा है, ड्रग डेवलप कर रहा है उसके अगेंस्ट। तो रिसर्चर यहाँ पर क्या करेंगे, किन लोगों, किसी लोगों को एक्चुअल ड्रग देकर देखेंगे और किसी लोगों को प्लेसिबो देंगे। प्लेसिबो का मतलब है ड्रग नहीं देंगे, वो कुछ और हो सकती है, कुछ और गोली हो सकती है, कुछ और टैबलेट हो सकती है। सो यहाँ पर रिसर्चर क्या करेंगे, ड्रग है, ड्रग का लेवल कम ज्यादा कर सकते हैं ये देखने के लिए वो ह्यूमन बॉडी पर कैसा अफेक्ट कर रहा है। तो उसी तरीके से एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप उसको चेंज कर सकते हो। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आप ट्रीटमेंट वेरिएबल भी कहते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को तो आप ऑब्जर्व करते हो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल क्या होता है, जो आपको बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों अफेक्ट कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, हम ये देखते हैं। सो ये किस वजह से हो रहा है, बीच में क्या लिंक है, इन दोनों के बीच में जो लिंक बनाता है उसे हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। सो इंटरवीनिंग वेरिएबल को आप, इंटरवीनिंग वेरिएबल का अनदर नेम ट्रीटमेंट वेरिएबल, ट्रीटमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर ट्रीटमेंट इज अनदर टर्म यूज फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड thank you for watching this video. I hope this lecture is helpful for you all, and good luck with your preparations.